वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और इसी विकास को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाऊंगा। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह सर, लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको। अब ये प्रदेश की महान जनता ने योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जो जनादेश दिया है, हम उसका सब सम्मान करते हैं। और हम लोगों ने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें कही हैं उन सबको पूरा करेंगे और प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जनता की अपेक्षाओं को सब मिलकर आप सब लोगों के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए, विपक्ष लगातार जो है घेरने की बात कर रहा है कि हम मुद्दे को उठाएंगे और तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने चुनाव में भी सब ये विषय रखे हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है, लेकिन प्रदेश के हित में, अपने प्रदेशवासियों के हित में माननीय योगी जी पहले से काम करते रहे और हम सब लोग जो एजेंडा है भाजपा का उसे पूरा करने के लिए पूरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सबके साथ आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे चौधरी भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसी का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है और जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। शैलेश पांडे के साथ राहुल भट्ट, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।